अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू विल बी फाइन। हियर आर 17 लेक्चर, यूनिट 2, वार एंड पीस। टुडे वी विल डिस्कस आवर न्यू लेसन, द फील्ड माउस। द फील्ड माउस इज़ अ पोएम। लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। समर एंड द लॉन्ग ग्रास इज़ अ स्नेयर ड्रम। स्नेयर ड्रम जो ड्रम होते हैं बड़े बड़े, द एयर हम्स विद जेट। एयर हम्स होते हैं आवाज़ गुनगुनाना, जेट्स की उन्हें आवाज़ हवा में आवाज़ें आ रही हैं। डाउन एट द एंड ऑफ द मीडो, फार फ्रॉम द रेडियो स्टेडिबल न्यूज़, वी कट द हे। हे भूसा जो होता है। ऑल आफ्टरनून इट्स वेव ब्रेक्स बिफोर द ट्रैक्टर ब्लेड। ओवर द हेज आर नेबर ट्रेवल्स हिज फील्ड इन अ क्लाउड ऑफ लाइम, ड्रिफ्टिंग आर लैंड विद अ चांस गिफ्ट ऑफ स्वीटनेस। फर्स्ट स्टैंजा में जो पोएट है, जो फैमिली है जो वहाँ पे फील्ड्स में काम कर रही है, पोएट ने क्या कहा, रेडियो में टेरिबल न्यूज़ सुनी है जिसमें यूरोपियन क्या कर रहे हैं, वार की न्यूज़ सुनी है जिसमें यूरोपियन एक दूसरे को किल कर रहे हैं, मार रहे हैं। तो उस वो और उसकी फैमिली जो से फील्ड में वर्क कर रहे हैं, तो उनके जहन में जो है, जैसे वो कट कर रहे हैं तो उनके जहन में जो वार में जो फैमिली सफ़र कर रही हैं, उनके जहन में उन फैमिलीज़ की क्या है, उनको उनके माइंड में सफ़र कर रही हैं, उनके माइंड में उनको हवा में आवाज़ें आ रही, आसमान पे उनको जेट्स की आवाज़ें आ रही हैं। द चाइल्ड कम्स रनिंग थ्रू द किल्ड फ्लावर्स, हिज हैंड्स नेस्ट ऑफ क्विवरिंग माउस। एक बच्चा जो है वो भागता हुआ है और उसके हाथ में क्या है, उसके हाथ में एक कांपता हुआ क्विवरिंग माउस जो है, वो कांपता हुआ माउस है। इट्स आइज ब्लैक, टू स्पार्क्स बर्निंग, वी नो इट विल डाई। उसकी आंखें जो सी हैं वो मतलब रोशन हुई हुई हैं। वी नो इट विल डाई, हमें हम जानते थे कि वो क्या है, वो मरने मर जाएगा। एंड हाउ टू बी फिनिश इट ऑफ, इट कर्ल्स इट एग्नी बिग एज इट सेल्फ एंड द स्टार गोज आउट इन द आई। समर इन यूरोप, द फील्ड्स हर्ट एंड द चिल्ड्रन नील इन द लॉन्ग ग्रास, स्टार्टिंग एट वट वी हैव क्रश्ड। सेकेंड स्टैंजा में द पोएट्स लिटिल बॉय ब्रिंग्स टू हर अ बैडली इंजर्ड माउस। एक बच्चा जो है वो अपने हाथ में एक माउस लेके आया जो इंजर्ड है, और हम जानते हैं जब वो क्या कर रहा था, जब वो किल्ड फ्लावर्स मतलब जब वो क्या कर रहा था, उस ग्रास को कट कर रहा था, तो उसके हाथ में वो माउस आया। द चिल्ड्रन नील डाउन एंड स्टेयर, बच्चा जो है वो झुका है और उसको स्टेयर कर रहा है, उसकी छोटी सी बॉडी को घूर रहा है। दिस इज़ वट हैपन्स लिटरली इन दिस स्टैंजा। थ्रू द पॉइंट आप देखेंगे कि इसमें जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, उस लिटिल बॉडी को स्टेयर कर रहा है, घूर रहा है। बिफोर डे इज डन द फील्ड लाइज ब्लीडिंग, द डस्ट गार्डन इनहेबिटेड बाई द सेम वोल्स फ्रॉग्स अ नेस्ट ऑफ माइस, द रॉन्ग दैट वोक फ्राम अ रूमर ऑफ पेन वॉन्ट हील, वो बढ़ नहीं सकता जख्म जो सर रूमर अफवाह। And we can't face the newspaper. All night I dream the children dance in the grass, their bones brittle, उनकी brittle मतलब उनकी जो पसली हैं, as mouse ribs, उनकी जो पसली उनकी जो हड्डियाँ ऐसे टूट गई हैं जैसे कि माउस की रिब्स थी। द एयर स्टैमरिंग विद गन फायर, हवा में जो है वो गन फायर की आवाज़ें हैं। माई नेबर टर्न स्ट्रेंजर wounding my land with stones, जो मेरा नेबर है वो किस में टर्न हो गया, वो स्ट्रेंजर में चेंज हो गया, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी में। एंड माय लैंड जो है विद स्टोन्स, और मेरी लैंड जो है उसमें स्टोन्स की तरह हो गई है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा में क्या है। इन दिस स्टैंजा द पोएट डिस्क्राइब्स एक्टिविटीज़ ऑफ पीपल इन द फील्ड इन द समर सीज़न। फर्स्ट स्टैंजा में उसने एक्टिविटीज़ बताई हैं समर सीज़न में, जो फील्ड्स में लोगों की एक्टिविटीज़ होती हैं। दे वर वर्किंग एंड कटिंग द हे इन हॉट सीज़न, एट द टाइम पीपल आर कमिंग इन द फील्ड टू सी द ब्यूटीफुल लैंड। आउटरली दिस शोज दैट पीपल आर इन्जॉइंग देयर लाइफ अ माउस इन फील्ड। इस पूरे स्टैंजा में, फर्स्ट स्टैंजा में उन्होंने दिखाया कि समर सीज़न में, हॉट सीज़न में जब वो लोग खेतों में काम कर रहे होते हैं तो वो इस तरह लाइफ को इन्जॉय कर रहे होते हैं, इस तरह कर रहे होते हैं जैसे कि एक माउस जो है वो फील्ड में। स्ट्रेयर ड्रम साउंड्स रिप्रेजेंट मशीन गन्स, स्ट्रेयर ड्रम जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है मशीन गन्स को, यूजिंग इन बैटल फील्ड जो कि जंग में मैदान में यूज़ की जाती है। सिम्बोलिकली दीज लाइन शोज ट्रेजेडी, जो पूरी की पूरी जो पोइम है ये सिम्बोलिकली जो शो कर रही है वो वार को शो कर रही है। सिम्बोलिकली दीज लाइन शोज ट्रेजेडी विच हैपन्ड इन द वार इन बैटल, पीपल वार किलिंग ईच अदर, यहाँ पे के वो शो कर रही है कि वार में जो लोग हैं वो एक दूसरे का करते हैं, किल करते हैं। लिटरली दिस कैन अलोर्स विद डीप एलेबोरेशन एक्सप्लेनेशन लिंक द यूनाइटेड नेशन हैविंग द लीडर्स ऑफ यूगोस्लेविया टू साइन अ ट्रीटी टू एंड दिस वार कास्ट बाय रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन जो से हैं यूगोस्लेविया के, उनको क्या करना चाहिए, इस वार को ख़त्म कर देना चाहिए जो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नस्ल परस्ती की वजह से या रिलीजियस की वजह से जो शुरू हुई थी, रादर देन बीइंग सब्जेक्टेड टू रेसिज्म।
Second stanza. In the second stanza, the poet has also describes activity of people in which they were playing in the field. Second stanza में जो people हैं वो क्या कर रहे हैं वहाँ पर activities बताई हैं कि वो field में खेल रहे हैं. Symbolically, killed flowers. जो बच्चे ने जो killed flowers shows the killed people. यहाँ पर killed flowers जो सब वो show कर रहे हैं कि क्या किया जा रहा है, लोगों को कत्ल किया जा रहा है. They were killing in battle and battlefield was full of crops. The poetess is consciously connects all she has seen from the hay cutting with war in Europe. Dance in grass personifies helpless creature of the field. यहाँ पे जो dance in grass जो last पे था वो शो कर रहा है कि जो helpless creature है field में. This stanza shows the miserable picture of life in Europe during war. War के दौरान जो यूरोप की जो miserable picture वो शो कर रहा है. Massive destruction in which people suffered. और ये stanza शो कर रहा है कि किस तरह से जो लोग हैं war में क्या करते हैं, suffered करते हैं. फर्स्ट स्टैंजा में व्हाट टाइप ऑफ द ईयर इज़ इट, फर्स्ट स्टैंजा में क्वेश्चन है कि वो जो टाइम था वो कौन सा था. इट वाज समर. व्हाट आर द पीपल इन द पोएम डूइंग इन द फील्ड, फील्ड में लोग क्या कर रहे थे. पीपल वर कटिंग हे इन द फील्ड. व्हाट कैन दे हियर इन द स्काई, स्काई में उन्होंने किस चीज़ की आवाज़ सुनी है. दे हियर साउंड ऑफ जेट. व्हाट इज़ योर नेबर, व्हाट इज़ देयर नेबर डूइंग, उनके जो नेबर थे वो क्या कर रहे थे. नेबर्स वर ट्रैवलिंग इन द फील्ड, नेबर्स ट्रैवल कर रहे थे फील्ड्स में. सेकेंड स्टैंजा में से जो क्वेश्चन हैं, व्हाट इज द चाइल्ड होल्डिंग इन हिज हैंड, बच्चे ने अपने हाथ में क्या पकड़ा हुआ था. ही हैज़ अ माउस इन हिज हैंड. हाउ वाज क्रिएचर इंजर्ड, कैसे इंजर्ड होती है. हिज ब्लैक टू आईज आर बर्निंग विद एक्सट्रीमली हीट एंड ही वॉज अबाउट टू डाई. वो जो इंजर्ड हुई थी, वो जो क्रिएचर थी, जो माउस इंजर्ड हुआ था, उसकी आइज़ क्या थी, बर्निंग थी. ऐसा लग रहा था जैसे रोशन हुई हो, जल रही हो. विद एक्सट्रीमली हीट, हीट से. एंड ही वाज अबाउट टू डाई, और वो क्या है, मरने के करीब है. व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग इन द लॉन्ग ग्रास, चिल्ड्रन जो से वो लॉन्ग ग्रास में क्या कर रहे थे. द चिल्ड्रन वर नीलिंग इन द लॉन्ग ग्रास. एंड द थर्ड स्टैंजा, व्हाट हैज़ बीन सेव्ड फ्रॉम द ट्रैक्टर ब्लेड. वोल्स, फ्रॉग्स एंड नेस्ट ऑफ माइस सेव्ड बाय ट्रैक्टर ब्लेड. ट्रैक्टर ब्लेड से क्या सेव हुआ था, तो वोल्स थे, फ्रॉग्स थे, एंड नेस्ट ऑफ माइस जो से वो ट्रैक्टर ब्लेड से सेव हो गए थे. हाउ लॉन्ग डिड द हे कटिंग टेक, कितना मतलब अर्सा लेती है जो कटिंग जो सी है, हे की जो कटिंग होती है वो कैसे होती है. द हे वॉज कटिंग बिफोर द डेज एंड, कि वो कितने अर्से में ख़त्म हो जाती है, डे के ख़त्म होने से पहले ही. What does the poet not want to see at the end of the day? वो क्या नहीं था देखना चाहता. The poet did not want to see any newspaper or not hear any news on radio. वो कोई न्यूज़ या newspaper नहीं था देखना चाहता, क्योंकि वो परेशान था जो Europeans की जो वार थी उसके जहन में सारा Europeans के बारे में, जो एक दूसरे को किल कर रहे थे, और उनकी फैमिली जो सफ़र कर रही थी वो उसके poet के जहन में था. Now your home task is learn explanation. जो first, second, third paragraph की जो explanation थी वो आपने learn करनी है. Write questions from stanza 1+3 on your notebook. Thank you.